के टेंट टॉप्स लोगों में से एक हैं वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है उनकी सपोर्ट के बिना कोई पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती आप महाराष्ट्र की बात करते हैं आय शंकर साहब चाहे तो चौबीस घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का कट्टा भी लग सकते हैं आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है स्कूल कॉलेजेस बनवाए हैं हॉस्पिटल्स बनवाए हैं हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है इसलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं आप समझ लिए उनकी पूजा करते हैं लोग सर लोग भी बात छोड़िए जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं उन्हीं का दरवाजा खटखटाता है वो ना सोचे हमारी मदद करते हैं ऐसे आदमी पर आतंकवादी का रोक होने का मतलब जानते हैं आप लोग हंसेंगे आप पे कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए हैं इसकी उसमें सर पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तो अभी कौन सी इस डिपार्टमेंट की इज्जत आसमान पे है बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और वो गलती से थाने में रिपोर्ट लिखवाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो तुम्हारी जेब कहाँ कटी तुम वहाँ क्या कर रहे थे वक्त क्या हो रहा था तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो खुद एक मुजरिम हो फिर उसे कहते हैं जा पाँच गुंडा लेके आ कुछ सीकराना मजबूरी में उस आदमी को जाना पड़ता है सब लोग उसके जाने के बाद आपस में ये बातें करते हैं कि उस लाल के का जेब कतरा कौन था? पांडू नहीं नहीं पांडु तो गाँव गया है राजू ने काटी होगी तो राजू को बुलाया जाता है उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है पुलिस थानों में दस करोड़ लालो क्रिमिनल की आवभगत की जाती है उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो इससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की अगर कोई स्कूटर वाला गलती से थोड़ा सिग्नल के आगे चले जाए तो खेमत आ जाती है 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 स्कूटर स्कूटर साइड में में लगाओ लाइसेंस दिखाओ तुम्हारी की लाइट जलती है। हवा है टायर पे, पेट्रोल है अरे ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो खुद एक मुजरिम हो और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती अपनी जेब के लिए की जाती है बीस पचास जो भी मिल जाए और ऐसा हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बढ़ जाती है क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुँच जाते लेकिन वो पैसे आते कहाँ से हैं सरकार से निश्चय या से नहीं वो पैसे जनता के हैं उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें जवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम कारगर में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं कहते हैं अच्छा हुआ है खुशखुश कम हुआ नहीं हमें सिचुएशन बदलनी होगी हमें लोगों को यकीन दिलाना होगा कि जनता हमसे जुड़ी है और हमसे जुड़ी रहेगी चाहे वो छोटा मोटा शंकर सिंघानिया हो या बड़ा ऑफिसर हो तभी जाकर के जनता हमसे जुड़ी रहेगी और हमारी इज्जत करेगी ओके यू कैन प्रोसीड थैंक यू सर अमेजिंग वेरी नाइस स्पीच For your information, I would uh, I, I must mention here he isn't just he's is studying in just class sixth. Sorry, sixth. No, fourth. He is he's studying in fourth only. Yeah. And what's your age? Hmm? What's your age? How old are you? Eleven. He's just eleven years old and studying in fourth eleven. class. And you can think of that what a great talent he has. Oh. He has memorized the entire dialogue. Amazing. Hats off to you. I was I was not aware that I'm sure you are having such a great student in you and this video i want you people to share because uh, he deserves something more than this because learning dialogues is not easy I, and you people know the script which he has just speak spoken right now it is around 2 3 pages more than i guess 3 pages of script it will definitely even actors takes enough time to practice upon this and this he is such, such a young uh, he's such a you know i would say it's nothing a age 11 years old and studying in fourth class in eleven, in even in class eight and seven, students are able to you know memorize the answers in Hindi, and he has just got it. Come on, man! heads off to you, Anuj, Ankush.